सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के T2 5G डिवाइस के अंदर आप जो है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको भी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करनी है तो बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं। मैं यहां पर दोनों डायलर का एक्सेस करूंगा। सबसे पहले एज अ बाय डिफॉल्ट डायलर हमें गूगल का मिलता है। इवन गाइस, कुछ लोग उसको रिप्लेस करके वीवो डायलर एक्सेस करते हैं, तो उस डायलर के अंदर भी बताऊंगा कैसे आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे। वेल गाइस, चलो डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे हमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करना है अपने डिवाइस के अंदर। वेल गाइस, कॉल रिकॉर्डिंग समय इनेबल करने के लिए सबसे पहले ओपन करना होगा हमें अपने डायलर को। यहां पर हम सबसे पहले एक्सेस करेंगे गूगल डायलर, इसको एक बार प्रेस करेंगे। ये है गूगल डायलर का होम इंटरफेस, जहां पर आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग का एक ऑप्शन आएगा सेकंड नंबर पर, इसको प्रेस करते हुए स्क्रॉल करके नीचे आना है, कॉल रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जहां पर आएंगे इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। एक ऑप्शन है नंबर नॉट इन योर कॉन्टेक्ट का, एक बार ये देख सकते हो ऑलरेडी हमारे फोन में इनेबल्ड है, बिकॉज अगर ये आपका ऑफ है तो आप इसको ऑन करेंगे एंड ये भी जो भी रिस्ट्रिक्शंस इनकी है आप इनको रीड कर सकते हैं। इसके बाद ऑलवेज रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे तो इसको ऑन करते ही आपकी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग्स आपके फोन में इनेबल्ड हो जाएगी। लेकिन अब यहां पर हम बात करते हैं सेकेंड डायलर के अंदर कैसे कॉल रिकॉर्डिंग ऑन होगी। बट इसका एक गूगल डायलर के अंदर एक चीज आपको बताता हूं, अगर आप किसी की भी कॉल रिकॉर्ड करेंगे तो अनाउंसमेंट सुनाई देती है, इस बात का ध्यान रखना। इससे अच्छा आप रिप्लेस करके वीवो डायलर के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करें। चलो हम दिखा देते हैं कैसे आप रिप्लेस करेंगे अपने डायलर को। सेटिंग को ओपन कर लेना और यहां पर आने के बाद आपको करना क्या है, बैक आ जाते हैं, ऐप वाली सेटिंग के अंदर चले जाना, जो ऐप सेटिंग है इसको प्रेस करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आना, इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहां से इसको ऑन करके ओके कर देंगे, सेट नाउ पे क्लिक करेंगे, सेकेंड डायलर को चूज कर देंगे तो हमारा जो गूगल डायलर है वो रिप्लेस होके हमारे फोन के अंदर वीवो डॉलर में कन्वर्ट हो चुका है, जो आप देख सकते हैं। आप इसको ओपन करिए एंड यहाँ 3 डॉट पर जाना है, कॉल सेटिंग्स पर जाना है। इसके बाद यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का सेक्शन इसमें भी मिलेगा, इसको प्रेस करेंगे एंड सेकेंड वाले ऑप्शन को आप प्रेस कर देंगे तो आपके फोन के अंदर भी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग इजिली ऑन हो जाएगी। अगर आपका पहला ऑप्शन सेलेक्टेड है तो आप यहाँ पर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग पर सेलेक्ट करके बैक आ जाइए सीधा। अब जो भी आप कॉल करेंगे वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती रहेगी। सो ऐसे ही गाइस, ऑटोमेटिक कॉल को रिकॉर्ड करना है वीवो के T2 5G डिवाइस के अंदर।